हरियाणा में बुधवार का दिन कांग्रेसियों के लिए खट्टी मीठी यादों का दिन प्रतीत होता लगा। दरअसल पूरे प्रदेश में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पहले से ही कई शहरों में भंडारे, फल वितरण और दूसरे कार्यक्रमों के लिए वक्त दिया हुआ था। पर बुधवार सुबह ही मीडिया में ये खबर सुर्खियां बनी दिखी कि प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ ही बहुत कुछ हो रहा है। पानीपत में दोपहर 1:30 बजे आने वाले अशोक तंवर का ये मैसेज आया कि शाम 7 बजे तक पहुंच पाऊंगा, केक आप ही काट लीजिए। किसी भी प्रदेश अध्यक्ष का इतना काम करना या इतनी मेहनत करने का काम नहीं देखा। अब इसके बावजूद अगर आज भी कोई बात पार्टी को इसके लिए संतुष्टि की नहीं लगती तो किसी को भी इस धरती के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष बना दे, वो डॉक्टर अशोक तंवर से ज्यादा काम नहीं कर सकता। दरअसल पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह बिल्लू ने कई प्रतिष्ठित कांग्रेस जनों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया हुआ था, पर सभी के चेहरों पर निराशा दिखी। फिर भी नेताजी ने ऐसा भाषण दिया कि कांग्रेस कैसी है, बीजेपी वैसी है। अरे आज के नेता कह रहे थे अगे तो सरकार का काम है। अरे तू बीजेपी का एमएलए है, सरकार बीजेपी की है, तू सरकार है क्या चीज है तू? जब जो विपक्षीदार की सरकार थी एमएलए था, हम लोग कहते थे आई एम द गवर्नमेंट। एक बार एसपी को फोन करे, एसपी बोला वो जो फोन फाड़िया था साहब, एसपी साहब सो रहे रात के 12 बजे, हम उठा इसको, ये सरकार जाग रही, एसपी सो रहा, व्हाट इज दिस? और भाई काम कर रहा है उसने सिंह साहब, यानी प्रदेश में कांग्रेस जनों में अचानक हलचल मच गई है। कई हक्के बक्के भी हैं, आगे क्या करें, क्योंकि जब तक गाड़ी चल रही थी सभी उस पर सवार थे, भले ही डिब्बे अलग अलग थे। अब गाड़ी को स्टेशन का इंतजार है, जिन्हें डिब्बा बदलना हो या गाड़ी छोड़नी हो उनकी मर्जी। यानी 2014 की लोकसभा चुनाव से एन पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर अशोक तंवर के लोकसभा चुनाव 2019 के एन बाद विदाई की तैयारी है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें केंद्रीय संगठन में जगह दी जाएगी। यानी राहुल गांधी के जन्मदिन का केक खाने वाले डॉक्टर तंवर के समर्थकों को अब हाजमोला देने की तैयारी। कैमरामैन धर्मवीर के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।